मैंने ये सारा संसार बनाया, लोग मुझे रचिता क्रिएटर ऑलमाइटी गॉड कहते हैं। मैं इंसान बनाकर बहुत खुश हुआ और इंसान की खुशी के लिए मैंने दुनिया बनाई और दुनिया में हर वो चीज बनाई जिससे इंसान खुश हो। मगर मेरी बनाई इतनी सुंदर दुनिया में इंसान खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ कम है किसी दूसरे इंसान से। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। ये बात ना समझकर बहुत से लोग मुझसे नाराज हैं। एक शख्स ये है जो पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा नाराज है। एपिसोड में आपका होस्ट अरुण प्रजापति आपका स्वागत करता है। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी अद्भुत चीजें दिखाएंगे जिसे देख के आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे लोहा सिंह जी। जी हाँ, ये लोहा सिंह जी हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने दांतों से मोटरसाइकिल खींची, 15 साल की उम्र में बस और 20 साल की उम्र में ट्रेन का इंजन, और आज अपने दांतों से इस हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक के दिखाएंगे। गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड है 40 सेकंड। ये 20 सेकंड और रोकेंगे यानी के पूरे एक मिनट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन लोहा सिंह, आई नो यू कैन डू इट। वी ऑल बैकिंग यू लोहा सिंह। लोहा सिंह जी, अपने दांतों से इस हेलीकॉप्टर को रोको। एक मिनट, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। अबे छोड़ तू, दिया क्या हुआ? दो दांत टूट गए। अबे दो टूटे, 30 बाकी है, फिर से एक बार ट्राई करना। नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत दर्द कर रहा है। अबे यार, मेरी इज्जत का सवाल है, पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है। अबे मेरा फर्स्ट एपिसोड है यार, ये खींचा वो खींचा, खींच के दूं क्या? हाँ, मत लगाओ फोन को। सारे स्पॉन्सर्स और मीडिया वाले हमें गालियां देने के लिए फोन कर रहे हैं। इसे उठाकर रख दो। सर, आप सोचते कहां से हैं? जहां से एपी नहीं सोचता है, कहां है वो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एपी। हेलो सर। आइए आइए आइए, अरुण प्रजापति, एपी द ग्रेट, प्लीज आप मेरे चेयर पे बैठिए। सॉरी सर, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे इस कुर्सी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों सेक्रेटरी साहब? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, रोज सुबह नीम की डंडी से दातून करने वाला लोहा सिंह का दांत अगर मेरे शो में टूटा है तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें शो दिया, मानो ना मानो, अगर इस तरीके से तुम काम करते रहे तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। दी एंड। क्यों सर? नहीं सर, नहीं सर, ये मैं हर किस नहीं होने दूंगा सर। सर, अगले एपिसोड के लिए सर एक ऐसा लड़का जिसका नाम है पूछी कपूर। सर, पूछी कपूर बीच बाजार में नॉनस्टॉप 48 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड को स्मूच करता है सर। सर, बस बस बस, आउट, गेट आउट, आई से गेट आउट। बेबी को फिर डांट पड़ी, पता नहीं कौन से ग्रह में पैदा हुआ है बेचारा। आ गया मानो या ना मानो का होस्ट। अरे होस्ट नहीं, घोस्ट है। क्यों बे, बहुत हंसी आ रही तुझे? पूरे के पूरे 40 दांत तोड़ दूंगा एक ही घुसे में। अच्छा, दांत तोड़ दूंगा? अबे दांत तो 32 होते हैं। मुझे पता था तू बीच में बोलेगा। अच्छा, इसलिए तेरे भी 8 गिन लिए थे मैंने। समझा? अरे बॉस, हमारे दांत तोड़ने में वो मजा कहाँ आएगा जो मजा लोहा सिंह के दांत तोड़ने में आया था। हाय। सुनो, गुस्सा उस्सा छोड़ो, आओ सुमड़ी में आओ, दो लगाते। पहले मुझे उससे बात करनी। अब किससे? जिसने मेरा शो फ्लॉप कराया उससे। हंसो हंसो। अरे जब सारी दुनिया हंस रही है तो ये दुनिया बनाने वाला हंस क्यों नहीं रहा है? वो लोहा सिंह जिसने अपने दांतों से बस खींची, ट्रेन खींची, प्लेन खींची।
उसके दांतों में कभी कुछ दर्द नहीं हुआ। अरे मेरे ही शो में उसका दांत तोड़ना था। सुबह सुबह मेरी माँ ने अखबार में मेरी राशि चेक करके कहा कि बेटा आज तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ये तुमने भी पढ़ लिया होगा और तुम्हें ये कैसे बर्दाश्त कि मेरा दिन अच्छा जाए। एक मैं ही हूँ इस दुनिया में जिसे तुम परेशान करते हो, या कोई और भी है? क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब, डैडी को अचानक चेस्ट में पेन हुआ और वो बेहोश हो गए। कब? तकरीबन एक घंटा पहले। एक घंटा? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। टेक इट टू द आईसीयू फास्ट। आप चिंता मत कीजिए, ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। देखिए मैडम, आप बहुत लकी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुराना यहाँ पे मौजूद हैं। डोंट वरी। कोई फायदा नहीं, ही इज डेड। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? मेजर हार्ट अटैक है। घबराइए मत, आप फौरन 1,00,000 रुपया डिपॉजिट करवा दीजिए। आज क्या लाई हो बनाकर खाने में? कभी अपनी वाइफ को भी बोला करो ना खाना बनाने के लिए। अरे वाइफ को तो ये बना रहा है इतने सालों से। 65,000। थैंक यू। आप पहले डॉक्टर हो जो मुर्दे को भी दवाइयां देते हो। सिर्फ दवाई नहीं देते, हम 60,000 का इंजेक्शन भी देते हैं। ये जाकर वापस कराना। गुरु खाना भी खा लिया, टाइम बहुत हो गया, क्या करें अभी? बस कुछ नहीं, मीठा खा के खबर दिए देते हैं। डॉक्टर साहब, अब पापा कैसे हैं? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। आप धीरे से काम लीजिए, मैं तब तक डेथ सर्टिफिकेट बनाता हूं, आप बिल भर के आइए। ओके, कम डॉक्टर। 1,00,000 आपने दिया हुआ है, 40,000 और, पूरी डिटेल्स बिल में है, आप देख लीजिए। ये आपके डैडी का डेथ सर्टिफिकेट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा उनका डेथ सर्टिफिकेट। ये आदमी सुबह 10 बजे संजीवनी हॉस्पिटल में मर चुका है। जी, मर चुका था? जी, मैं आपके लिए लाश ही लेकर आई थी। लाश? हाय, आई एम मालिया कपूर फ्रॉम चैनल 1 और ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन था। क्या? स्टिंग? स्टिंग ऑपरेशन? कैमरा हटाओ। अरे ये बात फिल्टर डर रहा है, बात नहीं हो रही। दूर दूर दूर। अरे कैमरा बंद करो। मैं सिस्टर ड्रामा मत करो। मैं पुलिस। अरे पुलिस हमें मार रही है। देखिए ना, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो धोखा है। देखिए ना, फिर भी आप कैमरा बंद करो। कैमरा वाले भैया फैंटास्टिक कर लिया, फैंटास्टिक। रखो फोन वापस सेक्रेटरी। ये सर, आने दो स्पॉन्सर्स के फोन, मुबारकबाद के फोन आने दो। लेकिन बॉस, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन मैंने आलिया को इस चैनल में रखा था, मुझे मालूम था कि एक दिन ये मेरे चैनल की TRP सबसे ऊपर कर देगी। रुक जाओ, खबरदार, एक खरगोश और कछुए तू भी, मैं तो फूट फेंक के मारूंगा। आलिया को मुबारकबाद सिर्फ AP देगा, ओनली AP। कौन? AP। कंग्रेचुलेशंस आलिया। थैंक्स AP। तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना? और मुझे तुम। मुझे भी। I love you. I love you too, AP. Congratulations, Alia. You were a big hand, ladies and gentlemen. Kya kamal ki news banayi aapne. I can't believe it. You've done a fantastic job. It's wonderful. You say congratulations, Alia. Sir, sara credit aapko. Brilliant job, Alia. I can't believe it. Kahin koi next hangama isse bhi bada hona chahiye, okay? काम नहीं चलेगा, बॉस से कह के एक मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए।
बहुत दूर से आना पड़ता, बहुत दूर से। मैं कोशिश करती हूँ, पहले बताओ एपी कहाँ है। हाय एपी, वैसे तो ये फूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम अपने हाथों से देते तो मुझे और अच्छा लगता। तुम्हें कैसे पता चला कि फूल मैंने दिए? क्योंकि सिर्फ तुम्हें मालूम है कि मुझे ब्लू ऑर्किड्स कितने पसंद हैं। लाया तो था तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हें दूसरों से फुर्सत ही कहाँ थी। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इस पूरे ऑफिस में तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन तुम सबको आगे जाने देते हो और खुद पीछे खड़े हो जाते हो। अपने शो को लेकर अपसेट होना। लेकिन तुम्हारा शो हिट हुआ ना, उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। एक सेकंड, ये नहीं मानेगा। एनीवे तो मेरा एक पुराना दोस्त है दिल्ली में। मुबारकबाद देना चाह रहा होगा बेचारा। ये जनाब मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ, पिछली बार जब मैं दिल्ली गई उसने कह दिया आई लव यू। तुमने उसे क्या कहा? मना कर दिया बॉस। मुझे ऐसे छिछोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो भी लिमिट्स को ही नहीं जानते। अरे दोस्त हो दोस्त बन के रहो, आशिक बनने की क्या जरूरत है। That's why I like you. तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, तुम अपनी लिमिट्स बहुत अच्छे से जानते हो। तुम किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देख सकते। That's for sure. हाय हाय झयम पटाखा। हाय दिन में अगर ये सेट हो गई तो रोमांस का बम्पर लग जाएगा। जरूर खोल देना लाठी, ये रंगीली है। हाँ बोल। लाठी खुला के नहीं। हाँ ये ले। खुल गया, ये खुल गया। लेकिन लाठी तो 2 करोड़ का है। हाँ। तू मेरे को 500 का इकु दे रहे हैं? नहीं नहीं लॉटरी नहीं खुली, पर तू रख ले रख ले। तो नहीं खुला तो फिर काय को दे रहे हैं? सुन लेगा, ऐसे दिल आ गया तेरे पे। लॉटरी मिल गया दरिया हलकट। अरे मेरी शादी हुई है, 2-2 बच्चे हैं मेरे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू वहाँ कर रोज 500 ले जा। मेरा नवरा तुझसे लाख गुना अच्छा है, बहुत प्यार करती मैं उसको, और तू मुझे 500 रुपए में खरीदना चाहता है? अरे तू हाथ देना है तो प्यार से देना। अरे ये हाथ कपड़े बर्तन धो सकते हैं, हमें नहीं धो सकते। मान जा मान। तीसरा हाथ, तीसरा हाथ इधर से आया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू ये छिछोरी हरकतें मत किया कर। नहीं करूंगा। लेकिन तू बाजी लगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। माफी मांग। बहन जी माफ कर दीजिए, बहन जी माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तूने किया तो तेरा 3 टप्पर उठा के फेंक दूंगा। नहीं भैया बिल्कुल नहीं करूंगा। आप बाल छोड़ दिए, बालों का स्टाइल बिगड़ जाएगा। प्लीज बाल बिगाड़। मेरी बस यही दुकान मिलती है, चलो तेरी 500 रुपया किधर गया? बहुत अच्छी फैमिली थी, इस बार थोड़ा ध्यान रखना प्रभु। ये रिश्ता अगर पक्का हो गया तो मैं 1.25 किलो बेसन के लड्डू का भोग आपको चढ़ाऊंगी। अरे 1.25 किलो की जगह अगर 1.25 क्विंटल का भी भोग लगा लो तब भी तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने वाली। तुम भी ना एलपी, 50 बार कहा है शुभ शुभ बोला करो, शुभ शुभ। अरे अगर मेरे शुभ बोलने से ही कुछ शुभ होना होता तो आज तक तुम्हारी बेटी ससुराल का लाभ उठा रही होती और तुम्हारा बेटा अब तक अपने पाँव पर खड़ा हो गया होता। ये रो आ गई प्रॉब्लम। अरे आ गया बेटा, तू आ गए इस घर के असली 30 मार्क। लोग 100-100 एपिसोड बनाकर अपना सीरियल खत्म करते हैं, इन्होंने पहले ही एपिसोड में अपनी कहानी खत्म कर दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अरे बेचारा थका हारा आया है, उसे चैन से बैठने तो दो। माँ अगर मैं चैन से बैठूंगा तो ये चैन से कैसे बैठ पाएंगे? पढ़ लिख कर घोड़ा बन गया है लेकिन आज तक जिंदगी की कोई भी रेस नहीं जीत पाया है। जिस दिन रेस में उतरूंगा सीधी डर्बी जीतूंगा। 50 बार कह चुका हूँ कि ये चैनल वैनल का चक्कर छोड़ और मेरी जगह म्यूनिसिपैलिटी ज्वाइन कर ले। अरे रिटायर हो गया हूँ तो क्या हुआ, आज भी तेरी नौकरी लगवा सकता हूँ वहाँ पर। 50 बार कह चुका हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी को रखिए अपनी जेब में, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। उसी कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहा है। बस कीजिए बाप, बहुत हो गया। ले बेटा। अच्छा तो अखबार पढ़ता हूँ, कम से कम वापस जवाब तो नहीं देगा ना। रात में तूफानी बेटा, आज मिश्रा जी के पड़ोसी मधु को देखने आए थे और मेरा दिल कहता है कि उन्हें तेरी बहन पसंद आ गई है। अरे जिनको तुम्हारी बेटी का बनाया हुआ नाश्ता ही पसंद नहीं आया उनको तुम्हारी बेटी क्या पसंद आएगी? आपको भी यही मिले थे शादी करने के लिए? मैं क्या करती, घर वालों ने करती बस। मैं लिख कर देता हूँ, मधु की शादी कभी हो ही नहीं सकती। ए, क्या हुआ, बाबूजी की बातों को बुरा लगा? एपी, हर लड़का ये चाहता है कि उसे चांद जैसी बीवी मिले, लेकिन चांद में तो दाग होते हैं ना। अरे यार क्या, एक लड़का है मेरे दिमाग में। कौन, कैसा है? बिल्कुल बाबूजी की तरह। मैं जलकर सड़कर मर जाऊंगी लेकिन बाबूजी जैसा लड़का, थैंक यू सो मच। मॉम, डैड, ये अपने मोहल्ले में या कौन रहे,
जिसका बेटा इतने अमीर है। ये टीनू जैसा नहीं क्यों मुझे दिख रहा है? हाय एपी। टीनू ये 100%। हाय टीनू। हाय एपी। हाय प्रसाद। हाय। क्या जद्दा में तेरी लॉटरी शॉटरी लग गई क्या? अरे लॉटरी समझो, जद्दा एयरपोर्ट पे मैं लोडर हूँ, इंडियन करेंसी में लाख रुपए तक कमा लेता हूँ। लाख? क्या बात करते। ए टीनू तू तो ओनली 10th क्लास ना। भगवान की कृपा। और तू क्या कर रहा है एपी? तेरा भी हाल वही है जैसा छोड़ के गया था। कार भी अब तक वही है? वो भी इसकी नहीं है, मेरी है। मेरी? आपकी नहीं, आपके बाप की है। तू भी मेरे साथ चल, तुझे भी लगा दूंगा अच्छा कमाएगा। लोडर वोडर नहीं बनना मुझे। ये लोडर वोडर नहीं बनेगा जी, ये तो एयरपोर्ट का मालिक बनेगा, या फिर सऊदी में जाकर तेल के कुएं खरीदेगा और चाहेगा कि हम उस कुएं में कूद मरे। मेरी माँ भी मुझे मारती थी और तेरी मिसाल देती थी, कहती थी टीनू एपी फर्स्ट आता है। आज ऊपर वाले का कर्म है कि मैं कहाँ से कहाँ आगे निकल गया और तुम लोग वहीं रह गए। गॉड इज ग्रेट। बाय, सी यू लेटर। ये तुम्हारा इंसाफ है? बुरों का भला कराते हो और भले का भला नहीं कराते हो? देखो देखो, मोहल्ले में खड़ा होकर सबके सामने बाप को भला बुरा बोलता है। आपसे नहीं, ऊपर वाले से कह रहा हूँ। अबे ऊपर नहीं तो? आपसे ऊपर भी एक ऊपर वाला है जो मेरा दुश्मन है। साहब, कभी कभी अपुन को लगता है कि तू ठीक बोलता है, भगवान भी हम गरीबों की नहीं सुनता है। आज भी अपुन का लॉटरी नहीं खुला। फिर किसकी खुली? यश चोपड़ा करके कोई है। देखा, जिनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है उन्हीं को पैसे देना, जिनको पैसों की जरूरत है उन्हें कभी मत देना। अरे पैसे कहाँ से दूं? तू चाहे तो माँ को बोल ये घर बेच दे। हाँ, और ले आ माँ बाप को सड़क पर बुढ़ापे में। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 करोड़ देगा। तेरे भगवान के नाम से तेरी भगवान ही नहीं सुन रहा तो आदमी क्या खाक सुनेगा? भगवान को नेपियंसी रोड वार्डन रोड से फुर्सती का है जो यहाँ पे आके तेरी फुटपाथ पर सुनेगा? पैसे कमाना तुझे और नहीं तो क्या? तो रिमिक्स का है? काटा लगा चढ़ती जवानी गाओ ना, गा के सुनाओ ना। चढ़ती जवानी मेरी चाल मत तानी, तूने कदर नहीं जानी। और बोला मिल गया? अरे बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। चलता हूँ। कम ऑन जाओ। अरे कांटा अरे अपने फॉर्मूला हरे के काम होते अपने। ये भिखारी अचानक कैसे कैसे गाने गा रहा था ना। मैंने उस आईडी दिया, फिल्मी गाने गाएगा तो पैसे कमाएगा, वरना ऊपर वाले के नाम पर भूखा मर जाएगा। खाओगे? नहीं। तुम क्यों खाने लगे? तुम तो माँ के हाथ का खाना खाकर आए होगे। राइट। लेकिन आज बाबूजी ने खाना बनाया था। तुम्हारे बाबूजी भी खाना बनाते हैं? जी, उनके हाथ का नाश्ता कर लो तो दिन भर भूख नहीं लगती। समझी। लो सैंडविच पकड़ो खाओ। आज किस बात पे नाराज थे वो? उनको नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं होती। घर पे बाबूजी से बातें सुनी, अब जाके बॉस बातें सुनाएगा। एपी अरुण प्रजापति द ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके लिए गुड न्यूज है। थैंक यू। मानो न मानो हमने प्रोग्राम बंद कर दिया है। सर तो फिर मैं करूंगा क्या सर? वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम वेदर रिपोर्ट पढ़ोगे। मौसम? मौसम की जानकारी? और मैं? पश्चिम की गोवा तटवर्ती इलाकों में तूफान की आशंका है। Here. नहीं सर, I'm a very creative person सर। सर ये मौसम वौसम वेदर वेदर सर मुझसे नहीं होगा सर। आपसे तो मैं कह चुका हूँ, आप मेरी कुर्सी संभालिए। सर, सर एक नया शो का आईडिया मेरे पास सर। नहीं नहीं मुझे नहीं। अरे सर, बहुत कमाल का शो है सर, नंबर 1 शो होगा, सब चैनल्स को पीछे छोड़ देंगे आप। अरे हमें नहीं चाहिए। सर ये दाढ़ी मूंछ और किस वाला शो नहीं है सर, सबसे 10 times बेटर सर, 10 times बेटर। मुझे नहीं, आलिया को समझा दो, अगर वो आलिया हाँ वो अप्रूव करती है और गारंटी लेती है कि शो में गड़बड़ नहीं होगी, then I have no problem. शो के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या? आलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम पहली लड़की जिससे मैं ये कह रहा हूं। आई लव यू। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही हो? यही तो मेरा शो है। अब तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने झूठ बोला है सच? Okay, that wasn't funny.
सीरियसली बताओ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? Have you heard of lie detector? Yeah. अब हिंदुस्तान में ही मौजूद है, पुलिस के पास है, रॉ के पास है, आईबी के पास है। हम बाहर से एक लाई डिटेक्टर इंपोर्ट करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाले, नेता, उनको चेयर पर बैठा के उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर वो झूठ बोलेंगे लाल बत्ती जलेगी और वो पकड़े जाएंगे ऑडियंस के सामने। फैंटास्टिक आइडिया, तुम एक काम करो, इस पर इमीडिएटली काम शुरू कर दो। लेकिन एपी ध्यान रहे, इस शो में मेरी पर्सनल गारंटी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तुम फिक्र मत करो, ये शो मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मैं जान लगा दूंगा। ऑल द बेस्ट। बेटा चाय बना दूं तेरे लिए? अरे माँ कोई तक सोई नहीं। देख रही हूँ तू तो आजकल रात रात भर जागकर काम कर रहा है। एक नया शो मिला है माँ। दिल लगाकर काम कर बेटा, और मुझे पूरा यकीन है कि फोड़ देगा तू, फुंगी बजा के रख देगा सबकी। अच्छा फिर सोच ले माँ कि फुंगी बज गए, सारे चैनल वाले धाराशाही हो गए, एक बार ये मेरा शो हिट हो जाएगा ना तो इज्जत दौलत शौहरत गाड़ी बंगला एमपी की शादी यूपी में। अरे एमपी की शादी तो करनी है ही, लेकिन तेरी भी तो शादी करनी है। वो तूने वालिया से बात की कि नहीं की? वालिया नहीं माँ, आलिया। अरे आलिया बाबा आलिया, जल्दी से बात कर ले उससे। एक बार मेरा शो हिट है ना माँ तब मैं बात करूंगा। अरे तू बहुत स्लो है और आजकल की लड़कियां फास्ट। अगर आलिया की जिंदगी में कोई फास्ट लड़का आ गया ना तो सर, ये स्टाफ का पार्किंग है। आलिया मैंने शो का नाम सोच लिया। क्या? झूठ बोले कौवा काटे। नाइस। पार्किंग फुल। अरे मेरी गाड़ी की जगह पे किसने पार्किंग की है? सर चैनल में बहुत बड़ा स्टार आया है। स्टार? भाई वाह भाई वाह, तुम्हारे आने से हमारे चैनल में रौनक आ गई है। कुछ ऐसा हंगामा करो कि हमारे चैनल की टीआरपी नंबर वन हो जाए। आलिया आइए आइए, इनसे मिलिए, ये हमारे नए क्रिएटिव हेड हैं, राकेश शर्मा। रॉकी। ओह माय गॉड रॉकी। आलिया आई कांट बिलीव इट। हाउज लाइफ? ग्रेट या? दे दिया ना झटका। बिग टाइम। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे सर सालों से। सर आप मैंने आलिया के नाम से जानते हैं। I know when she was an आलू। अच्छा फिर आलू। सर सॉरी आलिया, आप इन्हें सब कुछ समझा दीजिए। ऑफ कोर्स सर। ऑलराइट एवरीबॉडी, मैं तुम्हें एपी से मिलवाऊं। एपी रॉकी, रॉकी एपी। हाय। पहचान गया। दैट शो। मानो या ना मानो। वो दांत टूटने वाला एपिसोड। वेरी फनी शो मैन। बिलीव मी। चले कैमरा में। फनी शो एवर सीन। शो डिस इजन इट। फनी शो। हां, अब रॉकी अभी आया है। मैं बस थोड़ी देर में आती हूं। कांग्रेट्स। ग्रेट शो। वैसे सही कहा है किसी ने, तकदीर खराब हो तो ऊंट पर बैठे बौने आदमी के पैर में भी कुत्ता काट ले। हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला तो लंदन से भेज दिया। सुना नहीं? अच्छा, कल रात को ही माँ ने कहा था कि बेटा आलिया की लाइफ में कोई दूसरा लड़का नहीं आ जाए, और आपने उसे आधी भेज दिया। धक्का मारते हो? खुद तो नीचे नहीं आओगे? जिस दिन ऊपर आ गया ना तो उस दिन दिखाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी ऊपर नहीं आऊंगा, समझे? सर हाँ लिटिल बिट। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ए, सुन तेरे से एक बात करनी थी। इधर ऑफिस में देखी मुझे सब लोग खुश थे, ये एपी का चेहरा क्यों लटक गया? अरे साहब आप किसी लड़की से प्यार करते हो वो किसी और के गले लगेगी तो आपका भी थोड़ा लटकेगा कि नहीं लटकेगा? हा? अच्छा हाँ कौन? आलिया। आलिया आलिया एपी से प्यार करती है? ना, एपी आलिया से प्यार करता है। फिर ठीक है। कोई हीरो यहाँ? किसे बैठोगी? यहाँ। ओके मुझे एक बात बताओ, ये जो रॉकी है वैसे ये चीज क्या है? बहुत कमाल की चीज। हम लोगों ने दिल्ली में जर्नलिज्म का कोर्स साथ किया है, उसके साथ टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। He's just such a funny guy. Like that. I think he's a very boring guy. वो बड़ा पका हुआ है। बड़े भाई तारीफ सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे कानों में यही गूंजेंगी। रॉकी मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आज बड़े भाई बहुत गर्म है,
पर ऐसी गर्मा गर्मी में कॉफी नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए खराब होती है। right. तो मैं पी लेता हूँ। I'm sorry. ये कॉफी आलिया मेरे लिए लेके आई है। तुझे कॉफी पीनी है इसलिए पीनी है, ये आलिया लाए इसलिए पीनी है। You know, आलिया इसके एक्सप्रेशन देखो, इसके साथ एक शो करना चाहिए, दुनिया से नाराज। मैंने तुमसे कहा था ना, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर माइंड ब्लोइंग है। तुम क्यों हंस रही हो? I don't find it funny at all. ये भी, तुझे हंसना तो नहीं आता, पूल खेलना आता है? Of course आता है। चलो एक काम करते, पूल खेलते। अरे नहीं, और नहीं, जो भी हारेगा वो पूरे दिन का कैंटीन का बिल भरेगा। अरे नहीं ये पीस के साथ मत खेलना, he's not just good, he's very good. Come to papa. I'm very 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 good. Come on. Come. टॉस करते, तुम्हें बताना है कौन सा बॉल कौन से हाथ में, ओके? ब्लैक बॉल राइट हाथ में, ओके? टॉस जीता हूँ, गेम भी मैं ही जीतूंगा। तुम देख लेना एपी नहीं जीतेगा। Good shot, nice body, Rocky. Now see the shot. Show off. मेरा चांस आने दो। Wow, what a shot! एपी तो गया। ज़्यादा फुदकने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लैक लेके दिखा दो तो मैं मानूं। अब देख, ब्लैक पे कैसे डालता हूँ मैं। मैंने कहा था कि ये नहीं जाएगी। थैंक यू मेरे भाई, आपने गेम जितवा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ड्रिंक्स ऑन द हाउस बिकॉज ऑफ द लूजर। देखा ना, चांस तक नहीं मिला। मैंने कहा था इसके साथ पूल मत खेलो, ये दिल्ली का चैंपियन है। अब बताओ कि दिल्ली का चैंपियन है, अब खेल ले मुझसे। खेल मैं नहीं खेलूंगा। और सुन लो चैनल वन के भुक्कड़ वासियों, जो भी खाएगा 40 कदम जाएगा, बम से खून की उल्टी करके दम तोड़ के मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, चलो मर जाएगा। चलो इधर से, ये क्या कर रहे हो? चलो लिसन, इधर एक मिनट। आलिया जानते हैं कि एपी से प्यार करता है? एपी को बताने की हिम्मत ही नहीं है, फट्टू है, फुल टाइम फट्टू है। बात कहां तक पहुंची है? कहां तक पहुंचनी है, ड्राइवर बने हैं भैया, यहां से घर, घर से यहां लाके छोड़ देते हैं बस। तो कल मैं छोड़ूंगा और मैं लाऊंगा। आप भी क्या? ड्राइवर बट लवर। आ गया मेरा फार्मूला वाला। अबे क्या कर रहा है? खुदकुशी करने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली है क्या? अरे खुदकुशी करे तेरे मेरे दुश्मन, अब तो मैं जीना चाहता हूँ। क्या सुपरब आइडिया निकाला सच्ची में, ये रिमिक्स गाना गाने का। चढ़ती जवान। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो हेड ऑफिस से लाठी लेकर आ रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें रोज यहाँ से हारन मारते और वहाँ से हाथ इलाती कन्या को देखता हूँ। तुझे इसमें क्या तकलीफ है? अच्छा, तुम करो तो डिस्को, हम करे तो मुजरा, तुम करो तो मोहब्बत, हम करे तो शरारत, दूसरा कोई लड़की से बात करे तो उसको पीटते हो, और खुद किसी के घर के सामने अखनारा खड़ी करके लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती खटारे? तू पिटके ही मानेगा ना? क्या पिटके मानेगा? और सुन खटारे, अगर ऊपर वाला है और मेरी सुन रहा है तो मेरी बद्दुआ है कि वो लड़की तेरे साथ नहीं जाएगी। ये नया कौन आ गया? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? गाड़ी खराब हो गई क्या? ये गाड़ी अगर इसका एक टायर बेचू ना तो इसके जैसे 3 डब्बे आ जाए। अब हंस। फिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आलिया को लेने आया। आलिया मेरे साथ जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी बच्चूरा गाड़ी में ले जाएगा? बड़ा ढीठ है। हाय एपी। हाय आलिया। अरे रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया। लेकिन मैं तो रोज एपी के साथ जाती हूँ। आज मेरे साथ चलो। लेट हो रहे। एपी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा। Come on, आलिया। Sorry, Rocky. I'll see you at work, okay? Bye, Rocky. चलो। God bless you.
गॉड ब्लेस। हे मालिक, इसके ऊपर मुसीबत ही आती रहती है। गाड़ी का क्लच नहीं छूटा, गाड़ी की जान छूट गई। अब क्या इरादा है आलिया? चले? I'm sorry AP, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। मैं रॉकी के साथ जाऊं? Okay. You don't mind? No. ठीक है। चलो आलिया, तुम लेट हो जाओगी। किसी मैकेनिक को बुला ले। ठीक गाड़ी में से। I'll see you later, okay? अच्छी गाड़ी में। Bye, जल्दी आना हाँ। पट्टू, ये गाड़ी बेच दे। और जितना भी तुझे चिल्लर मिलेगा ना, उसे एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद ले। At least no starting problem, only man power. रंगीला की सुन ली, मेरी कभी मत सुनना। हिंदुस्तान के 111 करोड़ की आबादी में एक मैं दिखता हूँ आपको? अरे दुनिया की इतनी सारी गाड़ियों में एक मेरी गाड़ी दिखती है आपको? अरे दुनिया की इतनी सारी लड़कियों में एक मेरी लड़की दिखती है आलिया? क्यों? अरे क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे साथ? कब छोड़ोगे मुझे अकेला? और ये क्या है? अच्छा, सूरज की रोशनी के साथ मुझे जलाना चाहते हो? मैं नहीं जलूंगा। तू मेरे कैबिन के बाहर क्या कर रहा है? अरे आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? आलिया मैडम कहाँ है? रॉकी के साथ 2 घंटे पहले आ चुकी है। आ चुकी है? यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही कहीं। क्या बकवास कर रहे हो? 2 घंटे पहले मेरे सामने निकली है। निकल गई आपके हाथ से निकल गई। याद है ना मैंने क्या कहा था कि किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे बौने इंसान को कुत्ता काट जाता है। अब आप बैठे रहो वो लोग कहीं होटल में। खबरदार, आलिया उस टाइप की लड़की नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, देखा नहीं था उस दिन कैसे चिपक गई थी, जैसे बिछड़ा प्यार मिला। अब आप बजाओ ताली, वो ये मौका नहीं छोड़ने वाली। वो ये मौका नहीं छोड़ने वाली? ये तुम क्या कर रही हो आलिया? प्यार नहीं, 4 साल से तुम्हारे प्यार की बिजी हूँ। आज का ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आलिया उस किस्म की लड़की है ही नहीं। मगर रॉकी, वो तो कमीना है, वो ये मौका नहीं छोड़ने वाला। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो रॉकी, तुम्हें क्या कर रहे हो? प्यार, आज का मौका अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे एपी को नहीं जानते, अगर उसको पता चला वो तुम्हारा खून पी जाएगा। I don't care. बिल्कुल सही कहा आलिया, मैं आ रहा हूँ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आलिया मुसीबत में, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुसीबत में नहीं, मोहब्बत में है। अरे दोनों घूम सुम रहे होंगे, हाथों में हाथ डाले बीच सीट पे गाना साना गा रहे होंगे। पूरा शहर ढूंढ लिया, बैठे बैठे थक गया। आ गई क्या? अभी तक तो नहीं आई। पता नहीं कहाँ लेके गया उसे कमीना। अरे अगर तूने आलिया से दिल की बात जल्दी से नहीं की तो वो हमेशा के लिए ले जाएगा। हाँ, आज मैं उसे ये दूंगा और फिर कुछ दिनों के बाद बता दूंगा। अभी भी कुछ दिन के बाद? अरे कॉल करे तो आज कर। कितनी बार कहा है कि मत बैठा करो, मेरा सिम्बा डर जाता है। और ये क्या, अपने भाई को भी ले आए? अब इसकी पूरी फैमिली को भी बुलवा लोगे? ग्रेट, डोंट वरी बेबी, डोंट बी स्केयर्ड, दे आर जस्ट पुअर ह्यूमंस, कम लेट्स गो। अरे भगवान ने मुझे कुत्ता बनाया होता तो मैं तेरी बाजू में नहीं उस गोद में बैठा होता और वो मुझे चूम रही होती। अरे हटा यार, मेरे डिनर का टाइम हो गया, तो कुछ खाएगा? पता नहीं क्या खिलाएगा। नहीं शुक्रिया, भूख नहीं मुझे। चाइना गार्डन, हाँ, स्वीट कॉर्न सूप, 1 वेजिटेरियन, फ्राइड राइस एंड मंचूरियन ग्रेवी एंड 1 कप फ्रूट सलाद। हाँ तबड़तोड़। अरे घंशू भिखारी, हाँ याद आया, तबड़तोड़ भेज। आ गई गाड़ी। आलिया? हाँ है। क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं दोनों। और आलिया खुश है? हाँ बहुत खुश, अब गले लग रहे हैं। गले लग रहे हैं? हाँ। ओके, गुड नाइट रॉकी, बाय। बाय। जा रही है, जा रही है भटक के। हाँ। और वो क्या कर रहा है? अरे ये तो एकदम बंदर हो गया, इसने तो अपनी जरकट उतार दी और नाचता हुआ जा रहा है। निकल गया, जल्दी जा, जल्दी जा। भैया हाइडन से खेल रहे हो? दिल दीवाना बिन सजना के माने ना।
ओए, तू अली के घर के बाहर क्या कर रहा? अगर तेरी नजर आलिया पे है तो मेरी नजर तुझ पे है। नहीं, शर्म नहीं आती? भिखारी बन के आलिया पे जासूसी करता है? नहीं। गिरगिट, वो तेरी दोस्त है और तू उसे प्यार करता है? गिरगिट, बता तू, नहीं, कितना बुरा लगेगा उसको? ऐसा नहीं करना। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? गिफ्ट है। ये गिफ्ट नहीं, प्यार पाने के लिए ये रिश्वत है। तू तो उसे रुला कर रहेगा। छी, थू। अरे रॉकी, पर तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, देना भूल गया। इसकी क्या जरूरत थी? I mean, please. Thanks. क्या हुआ? क्या हुआ? कब कभी सी हो रही है? क्या? थोड़ी घबराहट सी हो रही है, अनइजी फील हो रहा है। Oh my God! अंदर चलो, तुम्हारा टेम्परेचर चेक करूं। Come on, come on. भगवान को पूजने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा पति परमेश्वर को भी पूछ लेना। 2 घंटे से करेले का जूस मांग रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। यही होता है आदमी का हाल रिटायरमेंट के बाद। मधु, अपने बाबूजी को जरा करेले का जूस दे देना। थोड़ा सा इन्हें शायद खिला दे, शायद इनकी जबान मीठी हो जाए। चुप कर, पूजा कर मेरे साथ। माँ, सालों से तूने इतने फूल फल तेल दिए जो इनके ऊपर चढ़ाए, अगर तू ये पैसे गुल्लक में डाल देती तो आज तेरे बेटे के पास एक नई गाड़ी होती। माँ, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान खुश थे ही कब, आखिर दिया ही क्या उन्होंने हमें? कैसे नहीं दिया, मुझे इतनी अच्छी औलादे दी हैं, इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए? औलादे अच्छी दे दी, लेकिन औलादों का कभी अच्छा किया नहीं। नहीं, बेरोजगार बेटे ने बाप का खून कर दिया और बाइज्जत बरी हो गया। काश, लेकिन माँ ने खुदकुशी कर ली। चल बेटा, तू नाश्ता कर मेरे साथ आके। बाबूजी। कौन है तुम? मधु, मधु, मधु। ये चेहरे पर क्या पोता हुआ है? ये पोता नहीं है, ये मैंने जामुन की गुठलियों को पीस के अपने चेहरे पे लगाया है। उससे क्या होता है? इससे चेहरे के दाग धब्बे है ना, वो अपने आप चले जाते हैं। खीरा, ककड़ी और संतरे को पोतने के बाद भी यही कहा था। कितनी बार आपसे कहा है कि उंगली से नहीं चम्मच से खाया कीजिए, पर आप हैं कि मानते ही नहीं। इनको तो हर चीज में उंगली करने में मजा आता है। दस है, दस। गोभी के पराठे। वाह माँ, गोभी के पराठे आज ही खाने का जी कर रहा था। खाओ बेटा, खाओ, दबा कर खाओ। पहले तनख्वाह की खाते थे, अब पेंशन की खाओ। खाओ खाओ खाओ। अरे बेटा, बिना नाश्ता खाए उठ गया तू? बस माँ, अरे बेटा, नाश्ता तो करता जा। मालकिन तो इससे बर्दाश्त करती है, सब अक्का दिन घर पे बैठा रहता है। अरे अपन का दगड़ू भी घर पे रहता है, लेकिन अपन को बहुत प्यार करता है। इनका माफी घर में कित 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 नहीं करता। दफा हो और काम कर अपना जाके। हाँ जाती है, जाती है। चला गया ना वो भूखा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? काम काम करता तो है वो बेचारा। क्या काम करता है? उसका शो फ्लॉप हो गया, ये सब टेम्परेरी काम है। इससे अच्छा है कि मेरी तरह म्युनिसिपैलिटी की नौकरी करे, 60 साल की उम्र तक तनख्वाह मिलेगी और फिर जब तक जिंदा हो तब तक पेंशन। पता नहीं क्या काम करता है। तुम देख लेना एक दिन, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, समझे? Finally all done. बेटा तो इस शो में बहुत मेहनत कर रहा है, भगवान इस बार तुझे जरूर कामयाब करेगा। माँ, तू बीच में किसी को मिला? कुछ भी ला, लेकिन उससे मत ला। देख 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 देख, एलर्जी हो गई। चुप, तू इस तरह की बातें करता है ना, तभी तेरे काम नहीं होते हैं। बेटा, मैंने तेरे लिए ये तावीज बनाया है, तू इसे पहन ले, देख तेरे काम कैसे होते हैं। ठीक है माँ, तू बोलती तो पहन लेता हूँ, लेकिन इसके पहनने के बाद अगर मेरा कुछ बुरा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, तू आज ही देख लेना। वाओ एपी, डज दिस चेयर रियली वर्क? आलिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कुर्सी पर पहले बैठो। लेकिन मैं क्या बोलूं? जो तुम्हारा दिल चाहे। एपी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम्हारा ये शो बहुत 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 सक्सेसफुल हो जाए। ग्रीन लाइट चल गई। दिल से बोला है एपी के लिए,
मुझे तो दो कुर्सियां नजर आ रही हैं शादी की, एक पे एपी बैठा है, एक पे आलिया। मैं भी जाऊंगा मुबारकबाद देने। This is great. जाऊंगा मुबारकबाद देने। This is amazing. मनोज, ये शो एकदम हंगामा करेगा। You just watch. शो कहाँ शुरू हुआ है? मैं ये शो होने नहीं दूंगा। Ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है हमारे नए शो की प्रेजेंटेशन का, और इस प्रोग्राम का नाम है झूठ बोले कौवा काटे। All the best, AP. Thank you. I think this is the right AP. सब लोग इंतजार कर रहे हैं. What are you doing? I know. कनेक्टर चेक किया? क्यों? Hurry up, please. अरे ढूंढ यार, क्या है? ये चल क्यों? मैंने कहा था ना इस बार कोई डरपोक नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं क्या करूं अगर इसका लैपटॉप खराब है तो? लैपटॉप खराब है? नो सर, एपी की डीवीडी खराब है. डीवीडी? सर आपका लक खराब है. आप बर्बाद हो गए सर. सब हर स्पॉन्सर्स, मीडिया, गेस्ट सब लोग हैं. ओह गॉड, एपी तूने ये क्या किया? सर इसकी बातें मत आइए सर. सर मेरी बात. शट अप, शट अप. रॉकी प्लीज कुछ करो, मेरी नौकरी और मेरी चैनल की इज्जत बचा लो. सर आलिया ने मुझे आइडिया सुनाया था. हाँ. तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया. हाँ हाँ. वो लगा दूं? प्लीज प्लीज कुछ भी लगा दो, कम से कम सबके सामने अपनी नाक तो कटे से बचेगी. प्लीज पुट इट ऑन. Well done, Rocky. Shabash. What a presentation. Fantastic. ये presentation तूने बनाया? तूने बनाया? तूने बनाया presentation? अरे अरे ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? Presentation मेरा है, मैंने बनाया. क्या? बड़े भाई, इतना बड़ा झूठ. अरे इसने चैनल की इज्जत बचाई और तुमने इसका गला पकड़ा? सर ये presentation मैं. सर. What? मुझे इस प्रोग्राम की कोई क्रेडिट नहीं चाहिए. इसे डर है कि that I will replace him in his own show. सर बड़े बड़े भाई, ये शो आप ही कर रहा. बिल्कुल नहीं, अब ये शो रॉकी ही करेगा. सर और तुम गेट आउट ऑफ हियर. गेट आउट, आई सेड गेट आउट ऑफ हियर. और आज के बाद इस चैनल में अपनी शक्ल मत दिखाना. सर एपी को अपनी सफाई देने का एक तो मौका दीजिए. अरे ये भी तो मौका तुम्हारे कहने पे दिया था मैंने. क्या हुआ? जो आपने शो देखा उसके क्रिएटर हैं राकेश शर्मा. Thank you. आपके रॉकी. Thank you everyone. तुम्हारी पूजा करके ही बनाया था ना? तो रखो अपने एपी आ क्या बेटा तू? बेटा मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है. यहाँ बैठे बैठे ईश्वर से तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी. तेरा शो ठीक से लॉन्च तो हो गया ना बेटा? सब ठीक तो है ना बेटा? अरुण क्या बात है, क्या हुआ?
कुछ खत्म हो गया, मेरी नौकरी भी चली गई। बाबूजी ठीक कहते कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। हेलो हेलो अरुण प्रजापति, सुना है तुमने रात को चैनल से नौकरी छोड़ दी? छोड़ी नहीं, लात मार के निकाल दिया गया। अगर तुम्हें नया जॉब चाहिए तो हयात होटल 18th floor 1801 में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लो, कार भी तोड़ लाया, नौकरी से भी निकाल दिया गया, पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है, बर्बाद कर देगा। अब आप जरा चुप रहिए, वो बेचारा वैसे ही परेशान है। बाबूजी, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है कि वो भी गुजर जाता है, बस आप ही नहीं गुजरते। अंदर आ जाओ अरुण प्रजापति। Is anybody here? अरुण प्रजापति? Yes, sir. बैठ जाओ। सर आपकी आवाज सुनाई दे रही, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। इंसानों को मुझे देखने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं अदृश्य हूं। अदृश्य? अरे क्या मजाक है, खुद फोन करते हो और बोलते हो कि मिलने आ जाओ, और जब मैं आ गया हूं तो बोलते कि अदृश्य हो। कौन हो तुम? मैं गॉड हूं। अबे ये अपने आप को गॉड बोलने से कोई गॉड ही बन जाता। देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, कल रात ही मेरी नौकरी गई है। दिमाग घुमा हुआ है और मत घुमाओ, तुम्हें सही टाइम पे मजाक सूझ रहा है, आपको नहीं चाहिए आपकी नौकरी, जा रहा। Excuse me, ये जो 1801 में, ये कौन है? Sorry sir, यहाँ पे 1801 रूम ही नहीं है। अरे 18 माले पे राइट में। सर ये होटल सिर्फ 15 माले का है, 18 माले का नहीं। Are you sure? Of course sir. प्रजापति अंदर आ जाओ। Mm-hmm.
तुम मुझे देखना चाहते थे ना? देखो, इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे इंसान का रूप ही लेना था। ओ, मैं कैसे मान लूं कि आप गॉड? ये ताबीज आपने कल मेरी तरफ फेंका था। अच्छा 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 अच्छा, तो कल रात आप वहां थे, मेरा फेंका हुआ ताबीज उठाया, मेरी बातें सुनी, मुझे फोन करके कहा कि अगर नौकरी की तलाश हो तो यहां पे आ जाओ। यहां पे आ गया, कभी आवाज सुना रहे हो तो कभी कमरा गायब कर रहे हो तो कभी कह रहे हो कि मैं गॉड हूं। अरे कैसे मान लूं कि आप गॉड हो? अरे क्यों मानूं कि आप गॉड हो? ये आवाज क्या है? कुछ चनी तो चनी आवाज। घबराओ नहीं, गिरोगे नहीं। ये सॉलिड है ना? हाँ बिल्कुल सॉलिड है। हाथ तो चलो मेरा प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है हाइट से। अब यकीन आया? तुम इंसानों का बस यही एक प्रॉब्लम है, जब तक कोई चमत्कार ना दिखाओ तुम लोग यकीन ही नहीं करते। करेक्ट, लेकिन एक बात पूछूं आपसे, ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना मैं बीमार था, फिर इतनी ऊपर दुनिया नीचे, क्या मैं ऊपर वाले मतलब कहीं मैं आपको प्यारा तो नहीं हो गया? नहीं। फिर आपने मुझे इतनी ऊपर बुलाया क्यों? क्या चाहते हैं मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं, हाँ, जब से मैंने दुनिया बनाई है, अनगिनत इंसानों को बनाया, वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, यदा कदा जब कोई हादसा हो जाता है तो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो, तुम्हारी गाड़ी का कांच फूट जाता है तो ऊपर देखकर चिल्लाते। तो करेक्ट तो है, मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आपकी वजह से, मेरा हर काम होते होते आप बिगाड़ देते हो। गौर जी की बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, दुनिया में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है, कहते हैं कि आप दुनिया बना के भूल गए हो। मेरी दुनिया को मैं भूल गया? दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही बाप हैं जो औलाद पैदा करके उन्हें भूल गए, एक आप हो और एक मेरा बाप है। आप दुनिया को ऊपर से देखते हो, दुनिया के बीच में आके दुनिया को देखो, इंसान का दुख दर्द उनके बीच में रह के महसूस करो, क्या गुजरती है उस पर जब उसकी बहन घर पे कुंवारी बैठी रहती, जब उसका प्यार उसे नहीं मिलता, जब उसकी रोजी रोटी छिन जाती है। आप कहते हो कि हम सब आपके बच्चे हैं और आप बच्चे को परेशान करते हैं, शर्म नहीं आती? अगर सबके पास गाड़ी होती, बंगला होता, घर होता, नो टेंशन होती, सब खुशहाल होते, तो सब आप ही को पूछते। मैंने जिसको जो दिया है उसके लिए वही अच्छा है, उसी में उसकी भलाई है। अरे लेकिन परेशानी तकलीफ से किसका भला हो सकता है? लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप गॉड हो, इंसान नहीं। आपके सीने में इंसानों वाला दिल है ही नहीं, और इंसान को सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, गॉड नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर दुनिया को कोई इंसान चलाता तो मुझसे बेहतर चलाता? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूं, आज से 10 दिन तक दुनिया तुम चलाओगे। आपसे तो डेफिनेटली अच्छी चलाऊंगा। ये क्या शोर है? दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, जो दुनिया भर के लोग मुझसे मांग रहे हैं, क्योंकि तुम गॉड बन गए हो तो तुम्हें सुनाई दे रही है। स्टॉप इट, अब जब मैं बोलूंगा तभी सुनाना। एक बात ध्यान रखना, तुम गॉड हो ये किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। ओके, डन। जो भी हूं, जैसा भी हूं, 10 दिन के लिए तो सिर्फ मैं ही हूं। सॉरी।
जीते रहो। सुन, अंडरवेयर तो पहना नहीं होगा, अगर पहना हो तो उसे छोड़कर सब कपड़े उतार। अबे मेरी तरह शर्ट तो इन कर ले। मॉर्निंग सर। हाँ? देख क्या रहा है टकलू, गाड़ी मंगा। साहब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, वही खड़ी है। साहब कपड़े बदल लिए, अब गाड़ी भी बदल लो। ओ स्मार्ट मैन, कान पे बाल उगा दूंगा। सुना, आपके राज में ये थी, अब मेरे राज में देखो। नहीं रही है साला, एक एक को लेके जाके बाहर खत्म कर देते हैं। एक काम कर, लेके आ सबको। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, भगवान ही उन्हें बचाएगा। आप आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? किंग्स बर्गर में बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, सारे बच्चों की जान खतरे में है और वो अंदर से गोलियां भी चला रहे हैं। जल्दी भेजिए कमांडो। क्या बुलाएंगे जब कमांडर यहां मौजूद है? हेलो बच्चा लोग, ए मरने आया क्या? नहीं, मारने। तू जानता नहीं हम लोग कौन है? भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतानों से मैं नहीं डरता। ए, ले इसको, कातल साले को। गंदे अंकलों ने आप लोगों को बहुत रुलाया है ना, अब हमारी बारी है, अब आप लोग उनको रुलाएंगे। स्पाइडरमैन चिपक जा, वहाँ डूब रहा है।
ये साला जादूगर लगता है, आंखों से जादू करता है। इसकी आंखों पे पट्टी मारता हूँ। हाँ बॉस। आ जाओ। छीन लिया मेरा पावर वापस, छीन लिया पावर वापस। गॉड क्या कहा था मैंने? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास गॉड का पावर है, और एक तो मैं सबके सामने दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। सॉरी गॉड, लेकिन दरअसल मैं पावर टेस्ट कर रहा था, गलती हो गई, आइंदा वापस नहीं करूंगा। लेकिन नीचे जान दो ना, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। गॉड प्लीज। ओके, आगे ध्यान रखना। थैंक यू बॉस, आई मीन गॉड। अबे बेवकूफों, देश से गद्दारी नहीं, देश से प्यार करना सीखो, समझे? हटिए हटिए हटिए। अभी अभी बच्चे आतंकवादियों के हाथों से छूटकर बाहर तो आ रहे हैं, अब देखना ये है कि सारे बच्चे बाहर आ गए हैं या नहीं। आतंकवादी कहाँ हैं? देशभक्तों, भारत भारत माता की जय। देश के लिए चलिए, जो चैनल वन वालों को हटना है ऐसे फिर बताऊंगा। ठीक है चल 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 निकल ले। जिसे सिर्फ मेरे चैनल पे आना चाहिए था वो मेरे चैनल को छोड़कर हर चैनल पे आ रहा है। मुझे एपी चाहिए। वाह सर, मैं एपी को जानता हूँ, बहुत बड़ा फट्टू है फट्टू। अरे डर के मारे हाथ पैर चला लिए होंगे। सर वो हीरो वीरो नहीं है, यू नो चैनल वाले बंद करवा देगा आपका। अरे वो एक दिन में पब्लिक का हीरो बन गया है, सोचो हमारे चैनल को कितना फायदा हो सकता है। सर आप सोचते कहाँ से? अरे तू सर आपने उसकी इतनी बेइज्जती की, वो वापस क्यों आएगा? मैं उसके पैर पड़ूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, उसको बोलूंगा एपी मैंने तेरी इतनी गलतियां माफ की हैं, मेरी ये एक गलती माफ कर दे। हाँ? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आलिया कहेगी तो जरूर मानेगा। बेटे ने बाप की जायदाद पर कब्जा किया हो। हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट LIC एजेंट हो? नहीं, बैंक का कार्ड देने आए हो, कार लोन की बात करने आए हो, और अगर घर खरीदने की बात करनी है तो SP से बात करो। अरे नहीं नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई। रुको, मैं आप बोलो। सर ये है मिस्टर केबल चंदानी, चैनल वन के CEO। That's right. और मैं हूँ आलिया कपूर। Oh, yeah. आलिया मैं AP की बहन हूँ। Oh. और ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी hey, क्या कर रहे हो? अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। सर पिताजी आप महान हैं जिसने AP को पैदा किया। अच्छा ठीक है ऊपर बैठ कर बात करो। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ, ये चैनल की नौकरी छोड़ो, कभी भी निकाले जा सकते हो। म्युनिसिपैलिटी में मेरी अभी भी बहुत चलती है, मैं तुम्हारी वहाँ नौकरी लगवा सकता हूँ। सर आई विल गिव यू एप्लीकेशन तुरंत, इमीडिएटली। बेटी आलिया तुम? हेलो मम्मी। नमस्ते आंटी। जी रहो। टीवी में तो तुम्हें कई बार देखा है, लेकिन पर्सनली तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो, है ना जी? हाँ, मेरी तरह। एपी है अपने रूम में। आप अपने भगवान को छोड़ के जाएंगी क्या मैडम? पायदा नंबर 8, पायदा नंबर 9। आइए पधारिए अपने स्वामी के द्वार में। हाय एपी। अरे बॉस आप। तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। जी कल ही रात को फर्नीचर इंपोर्ट किया है अमेरिका से। जी मेरे नाना नानी के बारे में नहीं पूछोगी? कैसे हैं? ठीक है, 150 साल पहले मर चुके। सुनो तो सही, मनी मन में मेरे तन के बारे में क्या सोच रही है? ये सोच रहा होगा कि मैं इसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन इसे भी समझना चाहिए ना कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। बट इज लुकिंग सो क्यूट, चलो सॉरी बोल ही देती हूँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला मैं सॉरी बोलने वाली थी? देखिए अगर लड़की इस परिस्थिति में खामोश खड़ी रहेगी तो वो किक या पंच तो नहीं मारेगी, या तो सॉरी बोलेगी या फिर आई लव यू। पार्टी के दिन जो भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और बॉस भी बहुत पछता रहे हैं, और ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, चलोगे? मैं कभी तुम्हारी बात टाल सकता हूँ? तो तुम चलोगे? ऑब्वियसली चलूंगा। अरे केवल बाबू, कहाँ की बहादुरी और कहाँ की शाबाशी। सर वो क्या जरूरत थी उसे वहाँ घुसने की? पर वो ये काम सरकार का है। जी हाँ। पुलिस का है। जी हाँ। फौज का है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो किस्मत अच्छी थी कि बच गया।
बेटा घर आए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है? देख तेरे बाबूजी कैसे बोर कर रहे हैं तेरे बॉस को। इतनी मुश्किल से बेटा पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। सो तो है, मर जाता तो है? नहीं मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे। आप बिल्कुल सही। अरे क्या सही सही बोल रहे हो, मेरी हर बात में हाँ मिला रहे हो। मेरे बेटे जैसा बहादुर इंसान था कोई वहाँ पर? नहीं, उसने अपनी जान पर खेल कर उन बच्चों की जान बचाई। बिल्कुल सही कहा। अरे इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर मैंने उसे बड़ा किया था। क्या बात, उसने मेरा सर आसमान से भी ऊंचा कर दिया। बिल्कुल आ गया मेरा बेटा। एपी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर एपी ने माफ भी कर दिया और चैनल वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो गया है। ओह फैंटास्टिक एपी, थैंक यू। एपी ने इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि चैनल टीआरपी से थ्रू द रूफ। इट्स अमेजिंग। व्हाट अमेजिंग, दो चार इंटरव्यू लेके आ गया तो अपने आप को स्टार समझता है। ओए गोरे, तारीफ सुनने की आदत डाल, क्योंकि इस ऑफिस में तुझे मेरी तारीफ के गूंजे ही सुनाई देंगी। मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है, बी ओरिजिनल यार। चल खेलेगा? लगा ले, सेट कर ले, जमा ले। प्लीज एपी, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना, ही इज दिल्ली चैंपियन, मत खेल। अरे दिल्ली को बिल्ली को या गली को, जीतूंगा तुम्हें ही। टॉस। पता दाएं में काली गोरे। You lost again. टॉस में जीता हूं, गेम भी मैं ही जीतूंगा। ये कैसे हुआ? This is not possible. तूने किया कैसे? अंधी लाल मूंगी अल्बाइनो, देखा नहीं कैसे हुआ? बोले तू एपी का है? जिसे निकाला था वो एपी था, तू एपी नहीं है। Come on Rocky, एपी पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। Loser. चल. Loser. Loser. कारवां निकल गया, बॉल ही देखते रह गए। आलिया को देखिए, एक मिनट के लिए एपी का पीछा छोड़ते ही नहीं है। लेकिन मैं एपी का प्रॉब्लम जानता हूँ, वो प्रपोज नहीं कर सकता। मुझे लगता आलिया प्रपोज कर देगी। अच्छा हाँ, तो मैं आज ही प्रपोज कर देता हूँ। एक काम कर, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होगा तू दुल्हन का जोड़ा लेके आ। अभी जाकर अपनी बीवी का ले आऊं? सेकंड हैंड? हाँ। नहीं, ब्रांड न्यू। शादी का जोड़ा फॉर माय आलिया। 20,000 का जोड़ा आया, इतने में तो इंडिया में मोटरसाइकिल आ जाएगी मेरी। दुल्हन का जोड़ा? अरे यार तू ये आलिया तक पहुंचा दे, उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी ये दे यार। ऊपर वाले अब सब तेरे हाथ में है। वही तो। किसने भेजा है? जी रॉकी साहब। LUST फॉर यू। अरे भाई जाओ। आलिया, मेरा SMS मिला? मिला। और मेरा गिफ्ट भी? हाँ। और आलिया जब भी तुम मेरे ख्यालों में आती हो तो इन्हीं कपड़ों में आती हो। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर। फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। शाबाश आलिया, मार मार किसे बना दिखा लिया। रॉकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गंदा SMS भेजने की? अच्छा दिखाओ। जी
इतना गंदा SMS और जो कपड़े भेजे थे ना वो और भी गंदे थे, वो दिखाऊं? मैंने लव भेजा था, लस नहीं। हाँ हाँ, ये SMS नहीं, कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई। आई शपथ आलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी, और तुम क्या निकले? ना पता है आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी, लेकिन तू इतना चिचोरा, इतना कमीना, इतना घटिया निकला। गिरगिट जी, मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है। तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी देखेगी नहीं तेरी शक्ल को। नहीं देखेगी दोस्तों, इसलिए माफ कर देती हूँ। इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना, यू गिरगिट। अरे यार, शादी का जोड़ा भेजा था, कोई बिकनी थोड़ी भेजी थी। तो एक काम कर, अब तू बिकनी ही भेज। अरे यार, ये लव लस्ट हो गया, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं है। नहीं, हाथ नहीं, पैर भी, सर भी। चल हाथ ला, बल्कि पूरा के पूरा मैं हूँ इसके अंदर। मेरी एक एडवाइस दे, तू 30-40 साल की छुट्टी ले, घर बैठ के आराम से सोचना, लेकिन आलिया को तू कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। अरे लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। वो आज हमारा उपवास है। अरे ठीक टाइम पे आ गया बेटा तू, ये अपनी मधु के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारा बेटा है अरुण। हाँ हाँ। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो स्टार है भाई। आपको हमारी बहन कैसी लगी? वो हम कुछ दिन बाद सोचकर आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी। नमस्ते। 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 तू फिक्र मत कर, इस बार हाँ ही होगी। सोच कर बताएंगे नहीं, सोच लिया कि दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे, पर इससे नहीं करेंगे, बस। आप कहाँ जा रही हैं? मेरी शक्ल अगर खराब है, इसमें इतने सारे दाग हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तू चल मेरे साथ, मैं तुझे परी बना के लेके आता हूँ। लो जी, स्टार बाबू चल पड़े अपनी बहन को परी बनाने के लिए। एक मिनट स्टार बाबू, ये तो बताओ कि कौन सी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हो अपनी प्यारी बहना को परी बनाने के लिए? हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या हुआ, पानी लाओ क्या, चाय? अरे पर हुआ क्या है चवनप्राश? ओ हेलो। यस प्लीज, क्या कराना है आपको? फुल टोटल लुक चेंज करना है, बालों के कलर से लेके चेहरे के दागों तक, फुल डेंटिंग पेंटिंग और स्क्रबिंग करानी। देखिए ये तो कुदरती निशान है, इन्हें तो गॉड ही ठीक कर सकता है। गॉड? हमको जितना आता है हम उतना कर देंगे। नो प्रॉब्लम। छोकरी छे, खटारे के पास ये झयम पटाखा कहाँ से आ गई? इसको तो पटाना है भाई, तुम्हारे गाने देखिए। एपी चलो। एपी भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहे तो? चलो ना भैया दुकान पे चल के चाय पीते हैं, आप कभी आते नहीं हो, इन्हें भी ले लो, कौन नहीं है? मेरी बहन है मधु। मधु? अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया दुकान पे चल के चाय पीते हैं, प्लीज प्लीज। देख इधर, अरे नहीं बात इधर कर रहा है, पिटना है, मार खाना है? आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हाय एपी। अरे ये कौन है? ये मधु है। और वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। क्यों भाई, तू वापस जाता नहीं क्या? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी करके चले जाना, और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना पहनूंगा? तेरे लिए मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो। तू डोडर वो झाड़ू लगाएगी, अच्छी जोड़ी है ना भैया? अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाहे तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। छोड़ दो। जी भैया आदेश करें। ये लीजिए माँ। पहचाना इसे? अरे मधु। अरे
मेरी बेटी तो सच में परी हो गई, इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है। आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है बाबूजी। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था। अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम इंसान भी बड़े नाशुक्रे हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तभी परेशान हो। ये देखो छिछोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिछोरे लोगों को पैदा करते क्यों हो? भाई मैंने तो इसे इंसान ही पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिछोरा हो गया तो मैं क्या करूँ? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल बदलने आया? नहीं वो, नहीं नहीं, खंबा नापने आया? तो फिर अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस। प्लीज खाओ ना सिम्बा, मैं तुम्हारी फेवरेट बिस्किट लाई हूँ। हे मालिक, काश तू मुझे कुत्ता बना देता तो। सेकंड हीरो की एंट्री। वाह, 15 मिनट पहले ही आ गया। अरे बाबा, बाबा, आ जा, क्या हुआ? बचपन से नहाई नहीं क्या बाबा? नहाया था, याद नहीं कब नहाया था। अरे तेरे लिए ये भी चलना पड़ेगा। क्या क्या हो रहा बाबा? कल वो मुझसे नाराज हो गई। हाँ, तू उसे पटाने आया हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो जब आएगी ना, हाँ, ये गाना गाना रोमांटिक। हाँ गा दूंगा। ये ले पैसे। गाऊंगा गाऊंगा, मगर बताना कौन सा गाना। कब तक जवानी छुपाओगी रानी वो। हाँ ठीक है गाऊंगा, मगर मुझे याद नहीं आ रहा, गा के सुना दे। सुना दे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। शादी करोगी। नदीश रावत साजिद वाजिद की जोड़ी पिक्चरों में और तुम दोनों की जोड़ी फुटपाथ पर। आदमी को इतना जलील होने के बाद यही काम करना चाहिए। और ये क्या लाइफ पार्टनर चुना तुमने? लेकिन ये मेरा पार्टनर ये नहीं, मेरा पार्टनर वो है आलिया, माय लाइफ पार्टनर। यू नो तू बड़ा ही बेशरम है, जो तेरे साथ उसने कल शाम को किया, अगर तेरी जगह कोई और होता तो काम छोड़ देता, राइट, फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाता, मुंह छुपा लेता। करेक्ट करेक्ट। एपी भाई साहब, मैं बहुत ही कमीना, डीट, सैडिस्ट, पर्वर्ट किस्म का आशिक हूँ। कैसी रहना? और वो मेरी हो जाएगी। अगर वो आपकी होती ना, तो आप या उनके घर के नीचे नहीं, तो आप घर के अंदर होते। ऊपर वाले ने मेरे को लंदन से भेजा है फॉर आशिकी, राइट? अब ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा ना। तू हंस क्यों रहा है? ऊपर वाले डिसाइड कर लिया। मेरे पास स्टेपनी है, एक मिनट में चेंज करता हूँ। देखिए चंदानी जी। जी सर। वैसे तो हम किसी प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं पता है? जी नहीं। इसलिए कि जनता कहेगी कि लाई डिटेक्टर मशीन पे बैठने की हिम्मत सिर्फ भोला राम सच्चा ने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए। जी बिल्कुल। जी सर, मैंने रॉकी को आपके सारे सवाल याद करा दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाई डिटेक्टिंग चेयर, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इसमें बैठने का साहस करेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोलाराम सच्चा।
धन्यवाद। जिस तरह से तूने मुझे शो से निकाला था, देख बेटा अब मैं तुझे कैसे निकालता हूँ। तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बुलवाऊंगा। भोला राम जी, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। अब नहीं। लाइट जल गई है। देखो हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गुड। अरे सॉरी क्यों बोलूं तुझे? मोटे गेंडे हिप्पोपोटामस नाम है भोला, लेकिन है आफत का भोला। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सड़वा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया चलो उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गए क्या? Have you gone mad? मैं हूं क्या? What are you doing? पता नहीं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, क्या कुछ और रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी प्लीज माफी मांगो। अरे शट अप छिपकली, याद है वो बिकनी सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी इतनी पब्लिक है उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? अरे शांत रॉकी तुम पागल हो गए? हिजड़े बोलते? इस लड़के ने हमारी बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंत्री मैं जानता कि तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है और तू मुझे नौकरी से निकालना चाहता है, और छिपकली मैं जानता कि तू मुझे नफरत करने लगी है, और हिजड़ो मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम लोग मुझे पटक पटक के मारने वाले हो, इसलिए मैं ये नौकरी क्या मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू तो दुनिया छोड़ के जा। रॉकी क्या कर रहा तुम? और ये अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे कैसे कैसे क्या ये सब? ये चीची इसका रंग बहुत काला है। देवा रे देवा, पहले लड़का लोग तेरे को रिजेक्ट करते थे, तू अभी लड़का लोग को रिजेक्ट करती है। ए तेरी तो निकल पड़ी रे एमपी। चल जा तू अपना काम पूरा कर, सिकाई कर लो। तुमने दवाई ली अपनी? क्या चाहिए? पानी लाऊं? कॉफी? तो फिर चाहिए क्या तुम्हें? अरे बेटा एक मिनट रुकना जरा। जी माँ। बेटा देख तेरे बाबूजी की क्या हालत हो गई है, इनके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही, बहुत परेशान है बेचारे, इनको किसी डॉक्टर को दिखा देना ले जाके। माँ जब से इनकी बोलती बंद हुई है इस घर में कितना सुकून और शांति है, तुझे तो खुश होना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा, मुझे तो अब इनकी किटकिट की भी आदत पड़ गई है, अब वो नहीं बोलते है ना तो मुझे बुरा लगता है, जा किसी डॉक्टर को दिखा दे बेटा। जी मैं भी तो सुनूं बाबूजी कितनी गालियां बकते हैं मन में मुझे। बुढ़ापे में इंसान बच्चों की खुशी के लिए तो जीता है, बेटा मेरा स्टार बन गया है, बेटी के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, भगवान मुझे कल मौत दे दे तो चिंता नहीं। अरे वाह बाबूजी तो मन के अच्छे निकले, इनकी आवाज वापस दे देनी चाहिए। मुक्ति मिल जाएगी। एसपी एमपी सुनो मोहल्ले वालों, मेरी आवाज वापस आ गई। तुझे तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि मेरी आवाज वापस आ गई। हाँ आपको आपकी आवाज वापस मिल गई और मुझे मेरा शो। अरे तो वापस चला जाएगा, टेंपरेरी है। सच बेटा? जी। तो फिर इंतजार किस बात का, आजकल सब कुछ ही ठीक हो रहा है, अब तू आलिया से भी जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है। हेलो। हेलो आलिया। हाय एपी। आलिया कल के रोज 28 साल पहले मैंने इस धरती पर जन्म लिया, इस धरती और मानव जाति पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या इस एहसान का शुक्रिया अदा करने क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? कहाँ पे? हयात 18वें माले 1801। आलिया अंदर आ जाओ। Thank you.
गर्जिया, कैसी बेवकूफी की हरकतें करते हो तुम? कितने शहर बह जाते, लाखों लोग मर जाते, तुम्हें पता? एक मिनट, मैंने क्या किया है? यू तो नो कि पिछले 5 घंटे से मैं आलिया के साथ था। तुमने चांद की पोजीशन चेंज कर दी, समुद्र का लेवल बढ़ गया। अगर मैं बीच में ना पड़ता तो सारा पानी शहर के अंदर आ जाता। सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो दुनिया दिखाई नहीं देती। ये चांद का आपने क्या कर दिया? इसका कलर ही एकदम डिफरेंट हो गया है। ये चांद नहीं है, फिर दुनिया है। दुनिया? फिर चांद कहाँ है? जिस पर तुम खड़े हो। अनबिलीवेबल, ये चांद तो एकदम लद्दाख की तरह दिखता है। चांद तो बहुत देख लिया मेरे चांद, अब ये बताओ तुमने अभी तक क्या क्या किया? अरे क्या कुछ नहीं किया। नंबर 1 स्टार बन गया। रॉकी को चैनल से लात मार के बाहर भगा दिया गया। आलिया मुझसे मोहब्बत करने लगी। मेरी सिस्टर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। और कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए आपको बता नहीं सकता। मेरी लाइफ सेट है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ तुमने अपने लिए किया? जी। उस दिन मुझे दुनिया के दुख दर्द सुना रहे थे, दुनिया के लिए क्या किया तुमने? पावर मिलते ही दुनिया को भूल गए? फ्रेंकली स्पीकिंग गॉड जी, टाइम ही नहीं मिला, लेकिन कल से आई प्रोमिस कि मैं बहुत कुछ करूंगा। कल तो तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या? अच्छे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन काफी है इस दुनिया का कल्याण करने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम गॉड। चलो देखते हैं, जो काम मैं हजारों साल में नहीं कर सका वो तुम एक दिन में कैसे कर देते हो। आपने कहा की मोटरसाइकिल दिलाओगे, लेकिन आप भी ना। रुमा, ची, चल, तेरी मोटरसाइकिल तुझे मिल जाएगी। बाय गॉड, बाय गॉड, निकल। तो इस दुनिया में जिस जिस को जो जो चाहिए, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्या क्या क्या? अबे सवर, अरे स्लो डाउन, अबे रुक के, धीरे धीरे। क्या? अरे अरे वो यार, अरे क्या बात है, तुम लोग मुझे किसी को मुझे करना है, धीरे धीरे। अरे इस दुनिया में लोगों को मांगने के लिए कुछ काम नहीं है क्या? मेरे बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके सुनाओ प्लीज, क्या चाहिए आपको? माधुरी दीक्षित। अबे किसी और की बीवी, ये भी कोई मांगने की चीज है? तू सुना। हे भगवान, मुझे कुत्ता बना दो। एक सेकंड, एक 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 सुनने का टाइम नहीं है पास। इस दुनिया में जिस जिसको जो जो चाहिए, सब सबको सब कुछ मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इनकी खुशी में मेरी खुशी है, तो सबकी दुआएं कबूल कबूल कबूल। तूने तो इस दुनिया का कल्याण कर दिया एपी। एपी साहब, आपकी जुबान ऊपर वाले ने सुन ली साहब। अच्छा। देखिए ना, बड़े साहब ने मोटरसाइकिल की चाबी दे दी। अच्छा, जब ये बच्चों को घुमा के ले गया, और सुन, लौटते मिठाई भी ले गया ना। जी जी। देखा, सुकून, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन, तुम क्या समझोगे यार। बस बेटी, जीती रहो, आज तो तुम मिलने आई हो, अब जल्दी आ जाओ इस घर में हमेशा के लिए। सुनिए जी, ये मेरी बहन है, तुमसे बड़ी, इसका नाम एमपी है, जरा इनके भी पांव छू लीजिए। माँ के पांव छुआ लिए,
बहन के पांव छुआ लिए, अब आसपास वालों के पड़ोसियों के पांव छुआ लेना, लेकिन बाप के पांव कभी मत छुआना। अरे सबर करो, ये मेरे बाबूजी, इनके पांव छू लो। जीती रहो। एक मिनट, भगवान तुम दोनों को इसी तरह चैनल का स्टार बनाए रखे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास चले आना, मेरी अभी भी म्युनिसिपैलिटी में चलती है, मैं वहाँ नौकरी लगवा दूंगा। ओके, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए शगुन की चुनरी है, और शादी के दिन इसे सर पे ओढ़ के रखना, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखेगा। गंगूबाई, कहाँ थे तुम? 4 घंटे से गायब हो, और तुम्हें पता है आज मेरी होने वाली बहू घर आई हुई? देखो कितना सजधज के आई है। छोटी बालकिन तो खूब जानती थे। साथ आपने अपुन की लाठी के बारे में बताया, अपुन की 2 करोड़ की लाठी खुली है। 2 करोड़ की नहीं। अरे अपुन अब कल से काम पे नहीं आएगी। हाँ, दूर जा रही ना फ्लैट देखने के वास्ते। हाय, अब नई गाड़ी खरीदेगी, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगी, और इस दगड़ू को भी अंग्रेजी पिलाएगी। ए कारे दगड़ू। ओके गंगू। अरे अरे, अपने नए घर में आप लोग को खाने पे बुलाएगी तो आप लोग आएगा ना? नहीं नहीं। आएंगे आएंगे गंगू भाई, हम जरूर आएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है। और सुनो, आप लोग काम के वास्ते नई बाई रखोगे ना, तो अपुन के वास्ते भी एक ढूंढ लेना। भूल गई। ए दगड़ू, देखा बेटा, सालों से हम अपनी अपनी लक्ष्मी को तरस रहे थे, उसे उसकी लक्ष्मी मिल गई और मुझे मेरी। पावर जाने का दुख हो रहा है? हाँ दुख तो हो रहा है, अच्छी शक्ति थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 10 दिनों में अपना काम कर लिया है। आप कल का दिन देखना, कल का दिन इस दुनिया में एक अनोखा दिन होगा, जहां कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि कल सबको सब कुछ मिल चुका होगा और सब बहुत खुश होंगे और पूजेंगे सिर्फ आप ही को, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ आप ही को मिलेगी। ठीक है, मैं भी देखता हूं कल का दिन दुनिया में कैसा होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कुत्ता बन चुका है साहब, सुबह से 4 लोगों को काट चुका है, इसे हम पागल खाने ले जा रहे हैं, चलो उठाओ इसे। गंशू, गंशू, मैं एपी, चलो उठाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तूने ये क्या कर दिया एपी? इसकी दुआ कबूल करके वाट लगा दी। आलिया, थैंक गॉड। ओए तू कवर करना, सॉरी, आई नो, सो इंपॉर्टेंट। हेलो, आई नहीं एपी, अभी तक तो नहीं आई। अरे एपी, मालूम है क्या हो गया? जबरदस्त धमाका, बॉस केवल चंदानी को चैनल से आउट कर दिया गया और उसकी जगह बन गया है उसका लल्लू सेक्रेटरी राजेश बॉस। अरे उस लल्लू को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, मनी मन में ऊपर वाले से दुआ मांगता था कि मुझे बॉस बना दे, और लो भगवान ने सुन ली उसकी दुआ, लल्लू बन गया बॉस। सर, सर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे भी मार रहा है? नहीं नहीं सर, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात समझ ले कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और तू ही तू तो यहाँ का कुछ भी नहीं रह गया यार। ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, नो चांस। क्या ये कब हुआ? ओहो, क्या हुआ? अरे वो मुरारी है ना, कल उसे बॉस ने बाइक दे दी। हाँ। वो उसी खुशी में 2 क्वार्टर लगा के बाइक चला रहा था, वो भी बिना लाइसेंस के। एक बुड्ढा सामने आ गया और धाड़, बुड्ढा ऊपर, मुरारी अंदर। कम से कम उबर खेद होगी यार, उबर वाला भी कभी कभी कमाल करता है। इतने दिन बेचारा बिना बाइक के खुश था, अब उसके हाथों किसी को मरवाना था तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि किसी का भला करने में किसी का बुरा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, 2-4 का बुरा हो, पूरी दुनिया का कम से कम अच्छा होना चाहिए। मोंटी, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ? अरे यार, एपी रेस कोर्स में सारे घोड़े फर्स्ट आ गए यार। सारे घोड़े जीत गए? ओह शिट। क्या हुआ यार एपी? बोर्ड के एग्जाम में सारे स्टूडेंट फर्स्ट आए हैं। प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल ने आपको बाथरूम में लॉक कर लिया है। विल स्ट्रेट गो टू थाना जी। अब क्या हुआ, कहां जा रहे हो तुम लोग? एपी, सरकार ने सारे कैदियों को रिलीज करने का हुक्म दे दिया है, अब वो लोग क्या क्या क्राइम करने वाले पता नहीं। रमेश, मेरी वजह से हो
अम्मा। अरे बेटा बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अरे माँ बताओ ना क्या हुआ। तू बस पहले घर आ फिर मैं तेरे को बताऊंगी। अरे माँ खामा खा तू मुझे हार्ट अटैक दे रही हो। अच्छा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे तुझे क्या हुआ तू क्यों रो रही है। मैं लुट गई सब मैं बर्बाद हो गई। दंगू भाई कल ही तो तुझे 2 करोड़ की लॉटरी लगी थी। सब लेके भागा कमीना। कौन? आजा नवरा दगड़ू। दगड़ू? पैसा और पड़ोस की भाजी वाली को लेके भाग गया सब। अब मेरे बच्चों का क्या होगा सब मेरे बच्चों का क्या होगा। देवा रे देवा इससे तो मैं बिना पैसे कई अच्छी थी। कई को दिया रे पैसा। दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। बवाल आने वाला है दुनिया में और हमारे घर में तो आ चुका है। चुप भी कीजिए बेटा गजब हो गया। क्या हुआ? मधु घर छोड़ के भाग गई है बेटा। ये चिट्ठी छोड़ गई है। क्या लिखा है इसमें? कि मैं शादी कर रही। अच्छी खासी इज्जत से घर में बैठी थी बदसूरत बनकर तूने उसे खूबसूरत बनाकर घर की इज्जत को खाक में मिला दिया और वो भाग गई। नहीं किससे शादी की तूने? मुझसे। कमीने तू तमीज से बात करो। ये मेरे स्वामी है और तुम्हारे जीजा जी। इस बदतमीज को तमीज से कोई बात समझ में आएगी नहीं। अरे ये साले गली दे रहा है। नहीं 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 क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। फिर इसने तुझसे शादी कैसे कर ली? अरे ये इतनी सुंदर हो गई है जिस दिन से इसको देखा 24 घंटे दुआएं मांग रहा था कि ये मुझसे शादी कर ले। आज ऊपर वाले ने सुन ली खुद ही आ गई सुबह सुबह दुकान पर बोली चलो शादी कर लेते हैं। हमने शादी कर ली। चले नहीं जाने दे बेटा अब तो शादी हो गई है ना। ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें ऊपर वाली कोई मर्जी नहीं। हाथ सजा माफ कर दी। 25 साल के बाद मेरा बेटा आया है। ये आलिया का फोन क्यों है? प्रधानमंत्री राजस्थान में बर्फ गिरी कश्मीर में सूखा। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। हेलो हेलो एपी आलिया ने फौरन तुझे हयात होटल बुलाया है। सारे शहर में हंगामा चालू है और वो पार्टी कर रही है। अरे पार्टी नहीं आलिया शादी कर रही है। क्या शादी किससे? लीजिए पंडित जी। आलिया ये क्या कर रही है तुम? शादी ब्याह लगन मैरिज मेरे साथ। कल ही तुमने मेरे माँ बाप के पैर छू के शादी का आशीर्वाद दिया और आज तुमने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। I'm really sorry, AP. रॉकी तो कल हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा था लेकिन और जाने से पहले मैंने सोचा एक आखिरी ट्राई मार लूं। ऊपर वाले से दुआ की कि आलिया मुझे कबूल कर ले। और कल जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैं ना नहीं बोल पाई। I'm sorry, AP. चल एक बार फिर से सोच लो आलिया। देखो हमारी जोड़ी कितनी परफेक्ट लगती है। चाहो तो किसी से भी पूछ लो। अबे ओए मेरी शादी पे आके मेरी दुल्हन को भेजता है। पंडित जी शुरू करो। कम डालो। आइए आइए बैठिए। आलिया साला लूट लो साला कोई अपनी जगह पे ही लेगा नहीं। उतार लो सबके देवर। छोड़ो मत किसी को। गोरे चूहे आ गए लग गए अब कर ले शादी। आलिया इन गुंडों को किसी ने बुलाया है? अबे मुझे क्या कोई पागल चिपकली ने काटा जो इन्हें बुलाऊंगा यहाँ पर? छोड़ना नहीं किसी को। ए शारे आ, 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 आ,
पूछने के तू इतना डर क्यों रही है? ना काम छोड़ के कहाँ भाग रही है? चल सबका माल ले और उस दुल्हनिया के जेवर उतार। नहीं बॉस, यह बहुत टेंशन है बॉस। अबे भूतनी के काहे की टेंशन, अब तो कोरट ने हमें छोड़ दिया है, अब राज अपना है। ये आदमी है ना, आंखों से जादू करता है, आंखों से मारता है। कौन? ये छोड़ा। जादू करता है? जादू कर है। अभी देखता हूँ ससुरे को। बॉस बॉस संभालना। अच्छा तो तू जादूगर है। चल गोगिया पाशा, तू जल्दी से मन ने अपना जादू दिखा दे। ओ जल्दी कर वरना ये ताऊ तन्ने अपना जादू दिखा देगा। इधर गोली चल ले और उधर तेरी जान निकले। पावर छीन के फिर से खेलने लगे मेरे साथ। हिस्ट्री, प्रेमिका के वेडिंग एनिवर्सरी पे प्रेमी की डेथ एनिवर्सरी। अरे इतना लकी तो रोमियो भी नहीं था। तू जादू देखना चाहता है? हाँ। तो चला इस पे गोली। अबे ओए, मेरे जादू की वजह से गोली इसके छाती के एक इंच दूर आके रुकेगी। अबे रुक, ना मैं स्पाइडरमैन हूँ, ना सुपरमैन, ना रजनीकांत। गोली चलाएगा यहीं लुढ़क जाऊंगा। वो तो गोली चलने के बाद ही पता चलेगा ना। तू गोली चला। अबे ओए आलिया, देखो शादी के दिन तुम तुम्हें विधवा बनाना चाह रहा है। तू आलिया की फिक्र मत कर, तेरे मरते ही मैं आलिया को फिर से सुहागन बना दूंगा। और तुझसे वादा करता हूँ कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे तेरी डेथ एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे हम लोग। अबे तू सुन क्या रहा है? गोली चलाना। अबे अरे चला गोली। बॉस मारो सालों को। मारेगा, मैं तन्ने जान से मार दूंगा। बॉस यहां से भाग के बॉस। हाँ चलो। आलिया, आलिया नहीं दूंगा। नहीं, 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 नहीं। अब क्यों चिल्ला रहे हो पुष्पल? आपने देखा उन लोगों ने मेरी आली की कैसी जान ली? उन लोगों ने नहीं, आपने मेरी आलिया की जान ली है, क्योंकि जिंदगी और मौत आपके हाथ में। अब मुझ पर इल्जाम मत लगाना, आलिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं मारूंगा आलिया को। तुमने सारी दुनिया की दुआएं कबूल की, इसी वजह से इतना हंगामा और बर्बादी हो रही, उसी वजह से आलिया की जान चली। मैं तो दुनिया का भला कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो मेरी आलिया की मौत का कारण बन जाएगा।
तुम्हारी एक आलिया के मर गई तुम इतना रो रहे हो? सोचो कितने सालों से मेरे बनाए हुए हजारों मेरे बच्चे एक दूसरे को मार काट रहे हैं, मैं कितना रोया होगा। इस दुनिया में लालच, नफरत, दुश्मनी मैंने नहीं बनाई, तुम लोगों ने बनाई। ना ही मैंने बम, हथियार, गोलियां बनाई, ये भी तुम्हारी बनाई हुई है। तुम्हारी पुरानी गाड़ी का कांच टूट जाता है तो तुम मुझ पर चिल्लाते हो। तुमने मेरी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को तोड़ फोड़ कर नेस्त नाबूद कर दिया। मैंने एक दुनिया बनाई थी, तुमने सैकड़ों देश बना दिए। मुझ पर क्या गुजरी होगी इसके बारे में तुमने कभी सोचा? और तुम, कितनी शक्ति दी थी मैंने तुम्हें, क्या कुछ नहीं कर सकते थे तुम, लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे पास गॉड का पावर था लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग इंसानों का ही रहा। तुम गॉड नहीं और उन प्रजापति ही बने रहे। मुझे पता चल गया कि आपने जिसको जितना दिया है उसके लिए उतना ही अच्छा है, उसी में उसको खुश रहना चाहिए। ये दुनिया आप ही चला सकते, गॉड जी इंसान नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दिया। जो बर्बादी मेरी वजह से हुई है उसे भी प्लीज ठीक कर दीजिए। वो तो पास्ट है, वो बीत चुका है, वो ठीक नहीं हो सकता। आप गॉड हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, वरना मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि ये बोझ लेके मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी वजह से आलिया हमारी, शहर बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गया। प्लीज गॉड जी कुछ कीजिए। ठीक है, मैं दुनिया को 10 दिन पीछे ले जाऊंगा। दुनिया फिर से वहीं से शुरू होगी जिस सुबह मैंने तुम्हें फोन किया था। लेकिन सोच लो, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तुम फिर से चैनल से निकाले हुए जीरो इंसान हो गए। आलिया तुम्हें नहीं मिली होगी, तुम्हारी बहन पहले जैसी ही होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। मुझे मंजूर है, मेरे लिए वही अच्छा होगा। ठीक है। वक्त वहीं आ गया, ये लो, ये मेरा नहीं मां का आशीर्वाद है, हमेशा इसे अपने गले में बांध के रखना। गॉड जी, अगर आपसे बात करनी हो तो तुम बुलाना, मैं सुनूंगा, मैं तो हर एक की सुनता हूं। और अगर आपको दोबारा देखना हो तो मैं तो हर इंसान के अंदर हूं, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। अरे जवाब दे, नौकरी चली गई, कार भी तोड़ डाली, अब क्या इरादा है घर तोड़ने का? बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी मुझसे भी बोल दीजिए ना। ये किसने कहा तुझसे? मस्का लगा रहा है, म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी करनी है क्या? नहीं बाबूजी, एक बात बताएं आप कि पिछली बार आप कब आए थे? रिटायरमेंट के 2 महीने बाद।
तू आखिरी बार कब हंसा था? जिस दिन तेरी हंसी चली गई थी उस दिन मेरी हंसी भी चली गई थी। पहले तू हंसकर बता। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी माँ का ये हवा महल किसी बिल्डर को बेचकर जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा सब। नहीं बाबूजी, काम तो मैं वहीं पे करूंगा। कल रात में बहुत बेइज्जत हुआ था, मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे, आपका दोस्त आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाइव डिटेक्टिंग चेयर यानी के झूठ पकड़ने वाली मशीन, और आज इस पे हिम्मत करके बैठेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोलाराम सच्चा। आइए आइए सर, प्लीज कम, प्लीज कम। ठहरो, इसे तो कल निकाल दिया था मैंने, फिर आ गया। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? मैं चाहता हूँ कि इस लाइट डिटेक्टर मशीन पर पहले तू बैठे। कौन है ये? सर ये मैं खिलवाने आया हूँ, खेलने नहीं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये तारों भरी कुर्सी है, शौक भी लग सकता है, जिससे मुख्यमंत्री साहब की जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। है? तो आप नहीं चाहते कि ये रॉकी साहब इस कुर्सी पर पहले बैठे? लड़का ठीक कह रहा है, हम भी देख लेंगे कि मशीन कैसे काम करती है। हाँ हाँ जी जी आलिया। हाँ जी सर, गो गो। यस ओके। एक्सक्यूज मी 2 मिनट्स, सॉरी। बोलराम जी भी यही चाहते हैं और लोग भी कह रहे हैं, प्लीज कुर्सी पे बैठ जाओ। को आलिया, शो का होस्ट मैं हूँ, अगर मैं चेयर पे बैठ गया तो सवाल कौन पूछेगा? नहीं ये बैठो। सॉरी ठीक कर रहा सर, ये क्या नाटक है? उस रात आलिया के लिए गिफ्ट कौन लाया था? ए, ये मेरा आलिया का पर्सनल मामला है, तू कौन होता है पूछने वाला? नहीं रॉकी, बता दो कि गिफ्ट तुम लाए थे। हाँ मैं लाया था। ये तो झूठ बोल रहा है। कल की लॉन्च पार्टी में मेरी डीवीडी किसने चुराई थी? ए, उड़ के मारूंगा खानदानियों, चोरी वोरी मैंने नहीं की थी। कल प्रेजेंटेशन दिखाया था, तुमने बनाया था? नहीं, सलीम जावेद ने बनाया था। ऑफ कोर्स मैंने बनाया था। रॉकी, आई कांट बिलीव तुमने मुझे इतने झूठ बोले। आलिया तुम मुझ पे भरोसा करो, इस कुर्सी पे नहीं, ये तो मशीन है। आई एम द मैन हु लव्स यू। झूठ पे झूठ, ये तो पॉलिटिशियन बन सकता है। रुको, किसी और को झूठा साबित करने से तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम सच्चे हो। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। कुसुरंद चेयर, क्या तुमने आज तक किसी से प्यार किया है? नहीं। बड़ा प्यारा झूठ बोल रहा है। तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी लड़की है जिसे तुम चाहते हो? नहीं। बड़ा सच्चा झूठ बोल रहा है। So you don't love me? No. Hey. झूठे कहेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम एक झूठे से प्यार करोगी। रॉकी कहाँ गया? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तो हर इंसान के अंदर हूं, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। नाराज मत हो तुम मुझसे, समझ लो कि वो एक फरिश्ता था, हम दोनों को मिलाकर चला गया। क्या हो गया सर? चंदानी, जिंदगी में सब कुछ मिला लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। ओ सर, मैं कुछ समझा नहीं सर, आपकी बीवी है ना? ओह गॉड, भाई मैं प्यार की बात कर रहा हूं। ठहरिए, अरुण प्रजापति से तो मैंने बहुत बातें कर ली, अब एक मिनट आपसे भी बातें करना चाहूंगा। आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं फिर भी एक साथ बैठे हुए हैं, अच्छा लगा मुझे। आप लोगों के साथ बैठे हुए देखकर एकता बढ़ती है, दुनिया में भी एकता बढ़ाई है, दुनिया और खूबसूरत जगह बनेगी। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लोगों से प्यार कीजिए और खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। God,
ग्रेट नहीं है, वो ग्रेट है अपने मानने वालों से, अपने चाहने वालों से। इसलिए मैं तो कहूंगा इंसान तुसी ग्रेट हो।